हाय दोस्तों, मैं हूं ऋषि और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूं और ये वीडियो है दो नए स्मार्टफोन्स, नए नहीं कहूंगा बल्कि मैं ये कहूंगा कि दो सबसे सुंदर स्मार्टफोन्स, यानी S7H जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था सैमसंग ने और S8 प्लस जो इस साल लॉन्च किया है। इन दोनों को रिव्यू करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है इस टाइम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये है वो दो हीरे, ये है वो स्मार्टफोन, दुनिया के बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन्स, और हर आदमी इनको लेना चाहता है, हर आदमी इनको फील करना चाहता है, हर आदमी इनको देखना चाहता है। और ये फ़ोन S7H मेरे पास एक साल से है और ये अभी मैंने लिया है S8 प्लस। दिस इज़ ये जो S7H है, दिस इज़ 4GB एंड 32GB वर्जन, और ये S8 प्लस इज 64GB वर्जन विद 4GB रैम। तो सबसे पहले इन दोनों को रीस्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि बेसिक है कि इसको एक ही टाइम पे रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा पहले स्टार्ट होता है। तो जब तक ये रीस्टार्ट हुए, हम इनका थोड़ा सा फिजिकली चेक कर लें कि कैमरा की प्लेसमेंट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, सेंसर और फ्लैश जो सेंसर है, हार्ट बीट सेंसर। अभी देखिए कि S8 प्लस इज मच मोर फास्टर देन S7H। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों फोन्स में देखिए S8 प्लस इज मच फास्टर, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 835 क्वालकॉम प्रोसेसर है और इसमें 820 प्रोसेसर है। तो इन दोनों के प्रोसेसर में फ़र्क है। रैम इज़ ऑलमोस्ट सेम, इसमें इंटरनल स्टोरेज S7H इज 32GB और इसमें 64GB है। मैं अगर इनके हार्डवेयर की बात करूं तो इसका जो सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर और होम बटन यहां पे दे रखा है फ्रंट में नीचे, और इसका सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे कैमरा के साथ दे दिया, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसका होम बटन फिजिकल नहीं है, इट्स इनबिल्ट इन द स्क्रीन। और ये दोनों ही फोन्स अगर मैं बात करूं तो ये S7H इज क्वाइट हैंडी, 5.5 इंच की स्क्रीन है इसकी। ये दिस इज एट S8 प्लस इज क्वाइट बल्की नहीं है, थोड़ा लंबा है ये, 6.2 इसकी स्क्रीन का साइज है। और ईजी मेरे को जो हैंडलिंग में पड़ा वो ज़्यादा ईजी S7H है, तो पर सुंदर देखने में इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल S8। इसका आप देखें तो स्क्रीन इज इन्फिनिटी स्क्रीन एंड बहुत ही सुंदर फ़ोन है। इट्स एज टू एज स्क्रीन, इट्स कम्प्लीटली अ ज्वेल टू ओन। और ये भी फ़ोन अपने आप में बेस्ट है, ये गोल्डन कलर में है, दिस इज ब्लैक कलर। ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, फिंगरप्रिंट्स पकड़ते हैं दोनों ही फोन्स। और अगर मैं बात करूं तो इन दोनों फोन्स में जो बेसिक सेटिंग्स के अंदर फ़र्क है, ऑलमोस्ट एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा सा लॉक स्क्रीन के अंदर देर इज़ एन ऑप्शन इन फेस रिकॉग्निशन, आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन, और इसमें ये नहीं है, फिंगरप्रिंट ही है। फेस रिकॉग्निशन एक नया डाल दिया है कि जिससे कि आपके फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है। बाकी एक आयरिस स्कैनर एक इसके अंदर मौजूद है जो कैमरा के साथ काम करता है, उसके साथ लाइक आईफोन में जो सीरी है उसकी बजाय बिक्सी, इट्स बिक्सी आपके लिए एक योर ऑनबोर्ड असिस्टेंट इसके अंदर है। तो अगर मैं इसके बटन्स की बात करूँ, फिजिकल बटन्स की बात करूँ, तो वॉल्यूम बटन दोनों का यहाँ अलग अलग हैं S7H में, और इसके अंदर एक ही बटन दे रखा है। ये जो बटन है इट्स फॉर बिक्सी, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो बिक्सी की जो असिस्टेंट है, जो ये दिस देखिए बिक्सी आ जाएगा। तो बिक्सी इज़ द न्यू असिस्टेंट इन S8 विच इज़ नॉट अवेलेबल इन S7H, और पावर बटन दोनों का यहाँ पे दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं अभी इनिशियली, अभी स्टार्ट हुआ है ये, तो S8 प्लस इज मच मोर फास्टर देन S7H। अब मैं कुछ बेसिक एप्स हैं इनको वन बाय वन रन करके देखता हूं
तो सबसे पहले मैं फोन खोल के देखता हूँ तो दे आर एट पार। इसके बाद मैं मैसेजेस खोल के देखता हूँ, दे आर एट पार एज वेल। और अब मैं वन बाय वन यूट्यूब, सबका पसंदीदा यूट्यूब। सो यूट्यूब इज फास्टर इन S8, नो इट्स एंड S7। सो कुछ फर्क हो सकता है, कुछ बेसिक गेम्स हैं। सबवे सर्फर, देखते हैं इसमें से कौन सा पहले खुलता है। तो इट इज, देखिए आप देख सकते हैं कि S8 Plus की जो स्क्रीन है सबवे सर्फर में, इट्स एग्जैक्टली द सेम एज दे आर एट पार, एग्जैक्टली सेम है। स्क्रीन 5.5 ही आ रहा है, बाकी ब्लैकआउट स्क्रीन है। इसके बाद एक सिटी रेसिंग 3D है, माय सन्स फेवरेट गेम। देयर इज एन एड, नो व्हाई, दे बोथ आर एट इक्वल पेस। सो वन बाय वन, इसके बाद मैं बेसिक अगर जीमेल पे जाता हूँ तो जीमेल इट्स फास्टर इन S8 Plus। अगर मैं प्ले स्टोर खोलता हूँ, इट्स एट पार, दोनों बराबर हैं। लेकिन मैं अगर नॉर्मली बात करूँ तो दिस डिवाइस S7 Edge इज अ 1 year old डिवाइस, और S8 इज द लेटेस्ट डिवाइस इन द मोबाइल इंडस्ट्री। तो अगर किसी को जा रहा है, कोई फ़ोन लेने जा रहा है, तो दे शुड गो विद दिस डिवाइस, बिकॉज ये 64,000 के अराउंड है और ये 50-47 के आसपास आपको ऑनलाइन सेल में मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि हमेशा मोबाइल के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, आई लव दिस फ़ोन S7 Edge, आई लव, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड बहुत अच्छी बैटरी है इसकी, बहुत ही कंफर्टेबल है हाथ में, इजी है। और ये थोड़ा सा बल्की लगता है मुझे, थोड़ा सा लंबा है फ़ोन। देखिए अगर इसको मैं पकड़ूँ, इसको पकड़ूँ तो इट्स ये बाहर निकलता है हाथ से। और दोनों ही फ़ोन्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो S7 Edge में थोड़ी सी हाई कैपेसिटी बैटरी है। एंड ये देखिए, अगर मैं बैटरी इंफॉर्मेशन खोलता हूँ तो बैटरी इज 36 mAh एंड इट्स 35 mAh, और बाकी क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग रेटेड एंड एवरीथिंग इज सेम। तो इट्स स्लाइटली 100 mAh एक्स्ट्रा इन S7 Edge। बाकी फेस रिकॉग्निशन है, दोनों वाटरप्रूफ, IPS68 वाटरप्रूफ हैं, दोनों ही 4K वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एंड PPI पिक्सल पर, जो PPI है इसमें 534 PPI पे काम करता है ये। एंड S8 इज़ अराउंड 570, और इन दोनों का जो वेट है, S8 Plus इज़ 173 ग्राम्स और S7 Edge इज़ अराउंड 155 ग्राम्स। सो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, स्लिम ट्रिम है। और दोनों की स्क्रीन, दिस आई लव दिस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं यहीं से ही अपने, अगर मैं इसको डबल टैप करता हूँ तो ये यहीं से ही मेरे को वो नोटिफिकेशन ऑन करके दिखा देता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फ़ोन, और S8 इज़ द लेटेस्ट एंट्री। और मैं कहूँगा कि ये फ़ोन अगर जिसका भी बजट है 64,000 के अराउंड अगर वो स्पेंड करना चाहता है, आईफोन नहीं लेना चाहता, तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्मार्टफोन इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। तो आपको इसी फ़ोन के साथ जाना चाहिए, बहुत स्मूथ है, नॉगट लेटेस्ट अपडेट पे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, और मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है। बहुत और भी फ़ोन आ गया, 1.5, 1 Plus 5 इज़ लॉन्च रिसेंटली, और अब उसके साथ कंपैरिजन भी करेंगे अगर वो मेरे को हैंडसेट अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे जैसे हैंडसेट अवेलेबल होता है मैं उसको लेके आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी लेटेस्ट के साथ जाइए। 15,000 के आसपास आपको S8 के लिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि S8 Plus पे जाइए। स्क्रीन इज़ ब्यूटीफुल, फ़ोन इज़ ब्यूटीफुल,
colors availability is beautiful. There are wide range of colors available. तो आप कोई भी फोन, होम बटन इज हेयर ओनली. अब आप उसको डबल टैप करते हैं तो फोन ऑन हो जाता है. तो देर आर लेटेस्ट चीज़ें हैं इस फोन के साथ कि जो देर इज़ नो नीड कि आप S7 1 ईयर ओल्ड और 1.5 ईयर ओल्ड डिवाइस पे जाएं. बाकी कैमरा इज़ ऑलमोस्ट सेम, 12 मेगापिक्सल, 1.7 अपर्चर का है, तो लो लाइट में भी बहुत अच्छी फोटो खींचता है. एंड अगर आप फ्रंट की बात करें तो कैमरा दोनों का सेम है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट का कैमरा है और ऑलमोस्ट कैमरा सेम है, लेकिन थोड़ा हार्डवेयर, स्क्रीन, स्क्रीन का साइज, एच टू एच स्क्रीन की जो ब्यूटीफुलनेस है, फेस रिकॉग्निशन इसके अंदर है, तो इस पे आप जाइए. और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय. S8 और S7 Edge दोनों ही वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. देखिए वायरलेस चार्जिंग हो रही है, वायरलेस चार्जर है और मैं भी इसको रखता हूँ. दिस इज ऑल्सो चार्जिंग. और